चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यार बोला तो था बाजार जाना है, 10 मिनट लगाऊंगी, सिर्फ सूट चेंज करके आ जाऊंगी। देख ले 10 मिनट, हाँ 11वां मिनट लगना नहीं चाहिए। अरे अरे मतलब जितना पसंद करने में टाइम लगेगा सिर्फ उतना ही लगाऊंगी पक्का। चलो। थकी मैं आज, बहुत सारी शॉपिंग होगी मेरी। आ गई तो सूट बदलवान गई। यार तो शॉप बंद थी मैं क्या करूं, फिर मैं सामने वो चदरे देखने चली गई, चदरे भी खत्म हुई पड़ी है सारी। यही काम रह गया तुम्हारे को? और चप्पल भी टूटी पड़ी है, फिर चप्पल भी लाई। अब गई हूँ बाजार तो उस काम तो बहुत सारे करने हैं, और मेरा अकेले का काम थोड़ी है, पापा के लिए भी तो लाई हूँ मैं चप्पल आज। हाँ बड़ा एहसान किया तूने यार, अब पापा के लेने गई थी तो अपनी पसंद आ गई, फिर क्या हो गया, कभी कभी कोई बोल। पापा का तो बहाना है, लेने तो अपनी गई थी तू। यार आप नहीं, मैं सब समझता हूँ। सूट कोई बात नहीं, अब मैं सूट दोबारा आपको नहीं कहती बदलने के लिए, मैं वही डालूंगी, बस किट्टी में नहीं डालूंगी, और क्या होगा। बस यही होगा ना, किट्टी के लिए और ले आऊंगी। 3 घंटे खराब कर दी तूने, तो किट्टी के लिए और ले लूंगी। 3 घंटे फिर क्या हो गया, कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ती है तभी तो आती है ना, ऐसे थोड़ी होती है कि फटाफट ले आओ फटाफट ले आओ, फिर वापस करने का पंगा पड़ता है। अगर मैं अच्छे से नहीं लाऊंगी तो लिपस्टिक देखो कितनी साइड लाई हमने, बननी है ना तू तो ये भी। अरे इनकी कंपनी की लिपस्टिक ना बहुत अच्छी होती है, कलर नेक्स्ट की, सब पूछते हैं मुझसे कहाँ से लायो कहाँ से लायो। आपके रुमाल भी तो लाई हूँ, वो भूल गए क्या? अपने पास रख लो रुमालों को, और इतना सारा सामान लेके आई हूँ, शुक्र है। चलो अब सूट नहीं बदलवाती, क्यों काम का आपको परेशान किया, इतना तो सोच ही लेती हूँ मैं आपके बारे में। पानी पिला दो यार, कोई रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा बाहर से। रोक कर ना के मैंने तूने रोटी बनाने का मन नहीं।